गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वर्सेज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग समझेंगे। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, सर्वर साइड क्या होती है, क्लाइंट साइड क्या होती है। जैसा कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, उनको एक इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो लेफ्ट में आप देखिए, लेफ्ट में ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ब्राउजर है, लिखा हुआ है यहाँ पर ब्राउजर है। ब्राउजर में क्या चलती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चलती है और हमारे एप्लीकेशंस चलते हैं। फिर नेटवर्क के थ्रू यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये सर्वर एपीआई प्रोग्राम है और यहाँ पर सर्वर की सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये कॉमन गेटवे इंटरफेस है सीजीआई और ये डेटाबेस है। तो हमारा जो इंटरनेट है वो कुछ इस तरह से चलता है, हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से चलती है। देखिए यहाँ पर यूजर कहाँ पर बैठा है, हम यहाँ पर हैं इंटरनेट चलाने वाले। आपने जैसे फेसबुक ओपन करके, तो आप यहाँ पर हो, आपने ब्राउजर के अंदर फेसबुक को ओपन कर रखा है। अब आपके ब्राउजर के अंदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चल रही है, वो कौन सी है, सर्वर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज चल रही है आपके ब्राउजर पर, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, कैस्केडेड स्टाइल शीट्स। ये तीन चीज़ें हमारे ब्राउज़र के अंदर चलती है। आपने फेसबुक में लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट भेजा, तो यहाँ सर्वर पर आई। सर्वर पर कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चलेगी, PHP। अगर हम PHP, JSP, ASP चलती है, पर अगर फेसबुक PHP में डिज़ाइन की गई है तो PHP चलेगी। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज को यूज़ करके वेबसाइट डिज़ाइन की गई है वही लैंग्वेज चलेगी। यहाँ कॉमन रहती है, क्लाइंट के ऊपर तो कॉमन है HTML, CSS और JavaScript, ये तीन ही चीज़ें रहेगी। लेकिन सर्वर के ऊपर अगर हमने ASP.NET यूज़ किया तो ASP चलेगी, जावा में यूज़ किया तो JSP चलेगी, और नहीं PHP यूज़ किया तो PHP चलेगी। वैसे और कोई दूसरी लैंग्वेज भी हो सकती है। फिर सर्वर है वो डेटाबेस से भी कनेक्टेड रहता है, जहाँ से डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। जैसे आपके फ्रेंड्स की लिस्ट निकालेंगे, आपकी फ़ोटो निकालेंगे, फ्रेंड्स की फ़ोटो निकालेंगे, ये सारी चीज़ क्या है, डेटाबेस में सेव है। तो इस तरह से हमारा ये मॉडल है वो काम करता है। तो जो स्क्रिप्ट है वो दो रूपों में हम लिख सकते हैं, एक सर्वर एंड पर और एक क्लाइंट एंड पर। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर है, ब्राउजर है, उसके अंदर भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चलती है और हमारा जो सर्वर है वहाँ पर जो मशीन है उसमें भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चलती है। सर्वर पर जो चलती है उसको बोलते हैं हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और जो क्लाइंट पर चलता है ब्राउजर पर उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ क्लाइंट मशीन पर चलेगी। जैसे आपने कोई फॉर्म ओपन किया, उसको फिल किया, जैसे हम कैप्चा फिल करते हैं, तो कैप्चा कहाँ चेक होता है, हमारी क्लाइंट मशीन पर ही चेक हो जाता है कि कैप्चा हमने सही भरा है कि गलत भरा है। चेक करते हैं ना हम, जैसे वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो वो वेबसाइट कैप्चा हमसे क्यों फिल करवाते हैं, क्योंकि वो ये चेक करना चाहते हैं कि जो लॉगिन कर रहा है वो इंसान है या कोई कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर से कोई हैक करने की कोशिश कर सकता है। तो यूजर नेम पासवर्ड तो कोई कंप्यूटर भी फिल कर सकता है, लेकिन वो कैप्चा है वो एक इस तरह की फ़ोटो आती है कि वो कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता, एक इंसान ही उसको समझ सकता है, इस तरह से वो कैप्चा डिज़ाइन किया हुआ होता है। तो वो कैप्चा हमसे फिल करवाते हैं ये चेक करने के लिए कि जो सर्वर क्लाइंट पर जो बैठा है इंसान है या रोबोट है।
वो कैप्चा है वो सही भरा है या गलत भरा है, ये हमारी क्लाइंट मशीन पर ब्राउजर के अंदर ही चेक हो जाता है। जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, वो क्या करेगी, वो रेस्पॉन्स जनरेट करेगी और फिर वो क्लाइंट मशीन पर भेजेगी वहाँ से। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग रिक्वायर ब्राउजर्स टू रन द स्क्रिप्ट्स। तो क्लाइंट के ऊपर जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चलेगी उसके लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, ब्राउजर। ब्राउजर कोई सा भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ठीक है, कोई सा ही ब्राउजर आप यूज कर सकते हो। तो सिर्फ ब्राउजर की ज़रूरत होती है, क्लाइंट मशीन पर चलेगी और ये सर्वर से इंटरेक्शन नहीं करेगी, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो। जब हम प्रोसेस करेंगे तो सर्वर का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर। ए स्क्रिप्ट इज जनरली ए सीरीज ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। तो एक स्क्रिप्ट होती क्या है, ठीक है, जैसे आपको एक नाटक का मंचन करना है तो नाटक के मंचन के लिए पहले आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी कि कौन सा जो आपका पात्र है वो क्या डायलॉग बोलेगा। फिर एक पात्र ए ने डायलॉग बोला, उसके बाद में बी क्या बोलेगा, सी क्या बोलेगा, तो एक सीरीज है। तो वो बिल्कुल आप उसी सीक्वेंस में परफॉर्म करोगे अपना नाटक जिस सीक्वेंस में आपने स्क्रिप्ट लिखी है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बिल्कुल ऐसी होती है कि आपने स्क्रिप्ट लिख दी HTML में या JavaScript में या PHP में, तो वो ऊपर से नीचे तक लाइन बाई लाइन एक एक बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म होगी जैसी आपने लिखी है। तो ये होती है स्क्रिप्ट। एज वी नो दैट द वेब वर्क्स इन अ क्लाइंट सर्वर एनवायरमेंट। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जो वेबसाइट है वो वर्क करती है क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट पर। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो कोड को एग्जीक्यूट करती है जो कि यूजर को दिखाई देता है, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो सर्वर एंड पर कोड को एग्जीक्यूट करती है और वो कोड क्लाइंट को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसका कोड है वो हम देख सकते हैं, ठीक है, आप अपने कंप्यूटर पर देख सकते हो, मोबाइल पर देख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, व्यू सोर्स कोड ऑप्शन आता है वहाँ से आप देख सकते हो। कंप्यूटर पर आपको कहीं भी वेब पेज खुलाओ, राइट क्लिक करो माउस से और व्यू सोर्स कोड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। और वहाँ पर तीन ही तरह के कोड होते हैं, HTML का कोड होता है, कैस्केडेड स्टाइल शीट CSS होता है और जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। लेकिन जो सर्वर के ऊपर चल रहा है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड, वो कोड आप नहीं देख सकते। अब एक टेबल की हेल्प से हम दोनों में डिफरेंस को देखेंगे, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में। तो सर्वर साइड वर्क्स इन द बैक एंड विच कुड नॉट बी विजिबल एट दी क्लाइंट एंड। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बैक एंड पर काम करती है, मतलब वो क्लाइंट को जो हम यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या कोई दूसरी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, हमें वो कोड नहीं दिखाई देता है। जबकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो फ्रंट एंड पर काम करती है, इसका मतलब वो दिखता है, यूजर को दिखता है। प्रोसेसिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है वो सर्वर से इंटरेक्ट करती है, जबकि क्लाइंट साइड है उसको सर्वर से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज सर्वर साइड में जैसे लैंग्वेज PHP हो गई, ASP.NET, रूबी, रेल्स, कोल्ड फ्यूजन, पाइथन एट्सेट्रा, जिसमें जावा की JSP भी आती है, तो खूब सारी लैंग्वेजेज है। वहीं पर क्लाइंट साइड है, वहाँ पर है HTML, CSS और JavaScript। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कुड इफेक्टिवली कस्टमाइज द वेब पेज एंड प्रोवाइड डायनेमिक वेबसाइट्स। तो डायनेमिक वेबसाइट्स हैं वो हम बनाते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से, ये इसका यूज होता है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, उसका क्या यूज है, वो रिड्यूस करती है लोड को सर्वर के ऊपर, सर्वर के ऊपर लोड को रिड्यूस करेगी। कैसे करेगी, जैसे कैप्चा वाला एग्जाम्पल लिया हमने, अगर मैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करता हूँ और कैप्चा गलत या सही है उसको क्लाइंट पर चेक नहीं करके मैं सर्वर पर डिपेंडेंट रहता हूँ,
तो पहले तो मुझे वो कैप्चा है जो मैंने फिल किया है वो वहाँ सर्वर पर भेजना पड़ेगा, फिर सर्वर उसको चेक करेगा कि गलत है या सही है, फिर सर्वर वापस रेस्पॉन्स भेजेगा। तो इसके अंदर हमें इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा, इंटरनेट पर डेटा का ट्रैफिक बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसको बहुत ही इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करके क्लाइंट मशीन पर ही चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी अगर हम देखते हैं तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो सिक्योर है, जबकि क्लाइंट साइड है वो इनसिक्योर है। क्लाइंट साइड का जो सोर्स कोड आप उसमें चेंज भी कर सकते हो, जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली फेसबुक, तो आप उसको सेव करोगे तो उसका जो कोड है HTML, CSS और JavaScript वो आपके कंप्यूटर में आप सेव कर सकते हो, .html फाइल बनेगी और वो एक जो भी आपने ब्राउज़र इंस्टॉल कर रखा है उसका एक आइकन बन जाएगा। अब उसके ऊपर आप सोर्स कोड देख के उसमें चेंज कर सकते हो और जैसा आप चेंज करोगे वैसा ही वो दिख जाएगा। जैसे फेसबुक का लोगो है तो फेसबुक के लोगो की जगह आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हो उसमें, ठीक है, लेकिन वो चेंज कहाँ हुआ है, आपकी मशीन पर, क्लाइंट की मशीन पर, वो सर्वर पर चेंज नहीं हुआ है। आपने जो फेसबुक के ऊपर ऐप फ़ोटो लगा रखा है उसकी जगह कोई दूसरा फ़ोटो लगा दिया तो वो फ़ोटो सिर्फ आपको ही दिखेगा दूसरा वाला, बाकी सब लोगों को फेसबुक का ओरिजिनल दिखेगा क्योंकि आपने सर्वर पर चेंज नहीं किया है, क्योंकि वो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सिक्योर होता है तो क्लाइंट वाला अनसिक्योर होता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर प्रोड्यूसिंग द कोड विच कैन रन सॉफ्टवेयर ऑन द सर्वर साइड। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है वो प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक है जो कि एक कोड प्रोड्यूस करती है जो कोड रन हो सकता है सर्वर साइड। इन सिंपल वर्ड्स एनी स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग दैट कैन रन ऑन द वेब सर्वर इज नोन एज द सर्वर साइड। तो बिल्कुल सीधे साधारण शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी कोई भी स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग जो कि सर्वर के ऊपर चलती है उसको हम बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या क्या ऑपरेशंस करती है, ये वेबसाइट को कस्टमाइजेशन का काम करती है, डायनामिकली उसको चेंज करती है वेबसाइट के कंटेंट को, और रेस्पॉन्स जनरेट करती है यूजर की क्यूरी का, डेटाबेस को एक्सेस करती है और ऐसे खूब सारे काम हैं जो कि सर्वर पर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कंस्ट्रक्ट ए कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन अ सर्वर एंड ए क्लाइंट। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है वो एक कम्युनिकेशन लिंक कंस्ट्रक्ट करती है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। अर्लियर द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाई द CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो पहले क्या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसको हम इम्प्लीमेंट करते थे CGI यूज करके, कॉमन गेटवे इंटरफेस यूज करके। द CGI वाज डिवाइस्ड टू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C++ और Perl ऑन द वेबसाइट। तो CGI है वो वेबसाइट पर C++ या Perl जैसी जो स्क्रिप्टिंग है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार किया गया था। द सर्वर साइड इन्वॉल्व 3 पार्ट्स, सर्वर, डेटाबेस एंड API एंड बैकएंड वेब सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो सर्वर है जो हमारा वो 3 हिस्सों में बटा होता है, जिसमें सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया और जो API है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, और उसके साथ में बैकएंड में जो वेब सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के द्वारा। तो ये 3 हिस्से होते हैं सर्वर के। व्हेन अ ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर अ वेब पेज कंसिस्टिंग ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग द वेब सर्वर प्रोसेस द स्क्रिप्ट प्रीरियर टू सर्विंग द पेज टू द ब्राउजर। तो जब हम किसी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पर,
तो सर्वर पर जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है और फिर उसका एक रेस्पॉन्स तैयार करती है और वो रेस्पॉन्स वापस क्लाइंट मशीन पर सेंड करती है। हियर द प्रोसेसिंग ऑफ अ स्क्रिप्ट कुड इंक्लूड एक्सट्रैक्शन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस, मेकिंग सिंपल कैलकुलेशंस और चूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंटेंट दैट इज टू बी डिस्प्लेड इन द क्लाइंट एंड। तो यहाँ प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? क्लाइंट सर्वर पर जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो प्रोसेस कर रही, क्या प्रोसेस कर रही है? क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसको वो प्रोसेस करेगी, उसका जवाब देगी। अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है कि डेटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन उसको देखनी है, तो डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है और फिर उसको क्लाइंट की मशीन पर सेंड कर दिया जाता है। या फिर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, या फिर कोई अप्रोप्रिएट कंटेंट है जो उसको डिस्प्ले करवाना है तो वो कर देगा। दिस स्क्रिप्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड द आउटपुट इज सेंड टू द ब्राउजर। तो स्क्रिप्ट है वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी और जो आउटपुट जनरेट होगा, जो रेस्पॉन्स होगा, वो ब्राउजर में सेंड कर दिया जाएगा। द वेब सर्वर एब्स्ट्रैक्ट्स द स्क्रिप्ट फ्रॉम द एंड यूजर अंटिल सर्विंग द कंटेंट विच मेक्स द डेटा एंड सोर्स कोड मोर सिक्योर। तो जो वेब सर्वर है वो जब एंड यूजर के ऊपर कंटेंट भेजता है, डेटा भेजता है, तो वो डेटा है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में होते हैं। वो बिल्कुल इतनी ही जानकारी भेजते हैं जो कि क्लाइंट को देखनी है, ऐसी कोई जानकारी उसमें नहीं भेजी जाती है जिससे कि हमारा सर्वर है वो अनसिक्योर हो जाए। तो हमें सिक्योरिटी है वो बना के रखना होता है वहाँ पर। इसीलिए हम जो कोड भेजते हैं वो HTML की फॉर्म भेजते हैं। कभी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो जैसे PHP है, ASP.NET है, उस लैंग्वेज का कोड कभी भी क्लाइंट मशीन पर नहीं आता है। तो क्लाइंट को तो पता भी नहीं होता कि कौन सी लैंग्वेज के अंदर क्या कोड लिखा है वहाँ पर। सिर्फ जो रेस्पॉन्स उसको चाहिए होता है वो उसको भेज देते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज कौन कौन सी होती है सर्वर साइड? आफ्टर द एडवेंट ऑफ CGI मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज वर इवॉल्व सच एज PHP, पाइथन, रूबी, कोल्ड फ्यूजन, C#, जावा, C++ एंड सो ऑन फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, अमंग विच सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। तो खूब सारी लैंग्वेजेज है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेज है उनको हम देखते हैं। PHP जो कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है, PHP एंड MySQL, PHP बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसीलिए ये हमारे सिलेबस में है, हम पढ़ रहे हैं इसको। बहुत ही पावरफुल है, यूजर फ्रेंडली है। आप इस लैंग्वेज की ताकत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि फेसबुक जैसी वेबसाइट है वो PHP में डिज़ाइन की हुई है, जो कि एक ऐसी वेबसाइट है दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है और सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं इसके। तो इतनी पावर है PHP में कि ऐसी वेबसाइट को भी वो हैंडल करती है। PHP इट इज़ द मोस्ट प्रीवेलेंट सर्वर साइड लैंग्वेज। यूज्ड ऑन द वेब विच वॉज डिजाइन टू एक्सट्रैक्ट एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन इन दी डेटाबेस। तो PHP है वो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसका काम क्या है? डेटाबेस से जानकारी निकालना और डेटाबेस के अंदर मॉडिफाई करना। दी लैंग्वेज इज यूज्ड इन एसोसिएशन विद SQL लैंग्वेज फॉर दी डेटाबेस। तो ये जो PHP लैंग्वेज है वो SQL लैंग्वेज यूज करती है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। इट इज यूज्ड इन फेसबुक, वर्डप्रेस एंड विकिपीडिया।
दुनिया की जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, वर्डप्रेस और विकिपीडिया, ये तीनों पीएचपी के अंदर डिजाइन की हुई है। इससे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता इस लैंग्वेज की पावर का, इसकी एफिशिएंसी का, इसकी रोबस्टनेस का, इसकी सिक्योरिटी का। पाइथन द लैंग्वेज इज फास्ट एंड कंटेंस शॉर्टर कोड। पाइथन है वो बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है और इसका कोड होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इट इज़ गुड फॉर बिगिनर्स एज इट कंसंट्रेट ऑन द रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द कोड। जो शुरुआत के अंदर प्रोग्रामिंग सीखते हैं उनके लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज है ये, क्योंकि कोड है बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, छोटा लिखते हैं, कंसंट्रेट फॉर्मेट रहता है और रीडेबिलिटी अच्छी है। प्रोग्राम को जब पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाता है, सिंपल प्रोग्राम होता है। पाइथन फंक्शंस वेल इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट एंड यूज्ड इन फेमस साइट्स लाइक यूट्यूब, गूगल ईटीसी। पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से काम करती है और ये भी इतनी अच्छी लैंग्वेज है, इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि आप समझ सकते हो यूट्यूब और गूगल। ठीक है, यूट्यूब क्या है, गूगल का ही है ये, तो यूट्यूब और गूगल दोनों जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो पाइथन पर काम करती है। रूबी इट कंटेंस कॉम्प्लेक्स लॉजिक विच पैकेज द बैक एंड विच डेटाबेस यूटिलिटी विच कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड बाई PHP एंड SQL। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है रूबी के अंदर और ये पैकेज करती है बैक एंड को डेटाबेस के साथ में, जो कि सेम काम है वो PHP और SQL के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अब हमारा आता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। डेफिनेशन देखते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज परफॉर्म्ड टू जनरेट अ कोड दैट कैन रन ऑन द क्लाइंट एंड विदाउट नीडिंग द सर्वर साइड प्रोसेसिंग। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है वो परफॉर्म करती है कोड जनरेट करने के लिए और इसको सिर्फ क्लाइंट मशीन पर ब्राउजर की ज़रूरत होती है, सर्वर से कोई इंटरेक्शन इसका नहीं होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। दीज टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स आर प्लेस्ड इनसाइड एन HTML डॉक्यूमेंट। तो ये जो स्क्रिप्ट्स हैं वो HTML डॉक्यूमेंट में रहती है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में हम करते हैं। तो आपको अगर कैप्चा है उसको चेक करना है कि सही है या गलत है तो वो आप चेक करते हो जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट को हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिख सकते हैं। जैसे कई बार कैप्चा पूछते हैं आपसे कि 420 प्लस 50, तो आंसर 470। वो 470 आप जैसे टाइप करोगे कि वो सही है या गलत है, कौन चेक करेगा, आपके ब्राउजर पर ही चेक हो जाएगा, क्योंकि उसका कोड आपके ब्राउजर पर ही है और वो कोड कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखा गया है, जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। HTML के अंदर ऐसा काम हम नहीं कर सकते, वो चेक नहीं कर सकते। HTML हम यूज कर रहे हैं सिर्फ उसको पेज को डिजाइन करने के लिए, और कैस्केडेड स्टाइल शीट्स है वो भी लुक एंड फील है, उसको सुंदर बनाने के लिए पेज को उसका हम यूज करते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन बी यूज टू एग्जामिन द यूजर्स फॉर्म फॉर द एरर्स बिफोर सबमिटिंग इट एंड फॉर चेंजिंग द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द यूजर इनपुट। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का हम यूज करते हैं कि यूजर ने जो फॉरम है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो फिल की है, क्या वो सही है या गलत है, उनमें कुछ एरर्स हैं, तो उसको क्लाइंट की मशीन पर ही चेक कर लेंगे उसको सर्वर के पास भेजने से पहले, उसको सबमिट करने से पहले। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया, आप उससे कैप्चा चेक करते हैं। उसके अलावा हम दूसरी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, जैसे कहीं पर ईमेल एड्रेस मांगा है तो ईमेल एड्रेस आपका फॉर्मेट, देखिए ईमेल एड्रेस सही है गलत है वो तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने अगर गलत भी कर दिया और वो किसी दूसरे इंसान ने बना रखा है ईमेल आईडी, तो उसके पास मेल चला जाएगा, तो वो कोई तरीका नहीं है कि आपने सही डाला है कि गलत डाला है। आपने मोबाइल नंबर आप किसी और के डाल दिए तो ये तो वेरीफाई नहीं करेंगे, वो आपके ब्राउजर पर तो ऐसा वेरीफाई नहीं होगा कि आपका ही नंबर है, लेकिन वो इतना चेक कर लेंगे कि आपने जो फॉर्मेट में जिसमें एंटर किया है वो सही है कि नहीं है।
उन्होंने फिक्स कर रखा कि मोबाइल नंबर एंटर डालना है तो 10 डिजिट का ही होना चाहिए, वो डिजिट से होने चाहिए। ऐसे नहीं आपने ABCD लिख दी या फिर 10 की जगह 11 डिजिट कर दिया या 9 डिजिट कर दिया। तो ये जो ग्रामेटिकल इस तरह की मिस्टेक है वो हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके क्लाइंट मशीन पर ही चेक कर सकते हैं। द इफेक्टिव क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द सर्वर लोड। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कि सर्वर लोड को कैसे कम कर देता है। आपसे अगर एक रीजन पूछे कि एक कारण बताओ कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को क्यों डेवलप किया गया या उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो सर्वर पर लोड को कम कर देता है और साथ में नेटवर्क पर भी कम हो गया, आपका टाइम भी सेव हो गया, आपका डेटा सेव हो गया, आपकी मनी सेव हो गई, बहुत सारे एडवांटेज है। इट इज़ डिजाइन टू रन एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूटिलाइजिंग ए वेब ब्राउजर एज ए होस्ट प्रोग्राम। तो ये डिजाइन की गई थी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ताकि वेब ब्राउजर है एक होस्ट प्रोग्राम की तरह काम कर सके। ठीक है, ताकि ब्राउजर का इतना ही मतलब नहीं रह जाए कि ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी और वहां से रेस्पॉन्स आ गया, ब्राउजर अपने लेवल पर भी कुछ काम कर सके बिना सर्वर के हेल्प की। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ यूजर मेक्स अ रिक्वेस्ट वाया ब्राउजर फॉर अ वेब पेज टू द सर्वर, इट जस्ट सेंट द HTML एंड CSS एज प्लेन टेक्स्ट एंड द ब्राउजर इंटरप्रीट एंड रेंडर्स द वेब कंटेंट इन द क्लाइंट एंड। तो ब्राउजर क्या करता है, यूजर की रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पर और सर्वर रेस्पॉन्स भेजता है। उस रेस्पॉन्स में क्या होता है, HTML और CSS। HTML और CSS है उनका एग्जीक्यूशन करता है ब्राउजर और जो डिस्प्ले जनरेट होता है वो यूजर को दिखाता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है, HTML। इट इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब प्रोग्रामिंग विच प्रोवाइड्स द फ्रेम टू द वेबसाइट, इट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट। तो ये HTML देखिए क्या काम में आता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वेब प्रोग्रामिंग के वो प्रोवाइड करता है, जिसको हम यूज़ करके एक फ्रेम बनाते हैं। जैसे हमारा मॉनिटर है या मोबाइल है, उसकी स्क्रीन के अंदर हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह से अरेंज होके दिखेगा, ऊपर क्या दिखेगा, हेडर में, नीचे फुटर में क्या आएगा, लेफ्ट में क्या रहेगा, राइट में क्या, सेंटर में क्या रहेगा। तो वो ब्लॉक्स हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन के वो किस तरह से अरेंज किए जाएंगे, वो अरेंजमेंट का काम होता है HTML का। CSS प्रोवाइड्स द वे टू डिजाइन द ग्राफिक एलिमेंट्स विच हेल्प इन मेकिंग द अपीयरेंस ऑफ द वेब एप्लीकेशन मोर अट्रैक्टिव। तो आपने सिंपली HTML में बना दिया कौन सा ब्लॉक कहाँ रहेगा, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं अपन ने एडजस्ट कर दिए। अब उसके अंदर क्या है, कलर भी एक जैसा ही है और वो बिल्कुल इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS कैस्केडेड स्टाइल शीट्स काम में लेते हैं, ताकि हम उसको कलरफुल बना सकें। हर एक पार्ट उसको अलग अलग कलरफुल बना सकते हैं, उनकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल अट्रैक्टिव बहुत ही सुंदर उसमें दिखेगा। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए CSS काम में ले रहे हैं। तो ये क्लियर हो गए, HTML काम में ले रहे हैं कंटेंट्स को अरेंज करने के लिए हमारी स्क्रीन पर कैसा दिखेगा। CSS है वो पेज की लुक एंड फील, उसका अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए अट्रैक्टिव। आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स बहुत ही सुंदर दिखती है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है कि वो पता नहीं किस तरह से रहता है कि उनको देखने का मन नहीं करता। तो CSS है वो अट्रैक्टिव बनाती है। फिर आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है विच असेंशियली डिवाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, बट करंटली देयर आर वेरियस जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स used as server side scripting technology। ठीक है, ये हो सकता है गलत लिख दिया हो या सर्वर साइड नहीं, ये क्लाइंट साइड पर चलेगी, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी है ये। तो ये हमारी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस थी और हमने इनको बहुत ही आसान शब्दों में समझा है।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।